सोलन में भाजपा द्वारा अभ्यास वर्ग का आयोजन किया गया। अभ्यास वर्ग में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। वहीं शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज, ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस मौके पर उपस्थित कार्यकर्ताओं में नए रक्त का संचार करने का प्रयास किया गया। कार्यक्रम का नाम ग्राम सभा से विधानसभा रखा गया, जिसके माध्यम से संदेश देने का प्रयास किया गया कि भाजपा ने पंचायती राज्यों में तो भारी बहुमत हासिल कर लिया है, लेकिन उनके जीत का सिलसिला अभी थमा नहीं है और विधानसभा में भी यही क्रम जारी रहने वाला है। विधानसभा चुनावों के लिए भाजपा ने ग्राम पंचायतों का चुनाव जीतकर विजयी की नींव रख दी है। इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने बताया कि इस अभ्यास वर्ग का सबसे बड़ा लक्ष्य कार्यकर्ताओं को सशक्त बनाना है, ताकि वे किसी भी तरह की चुनौती का सामना करने में सक्षम हों, कार्यकर्ताओं के व्यक्तित्व का विकास हो, ताकि एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके। उन्होंने कहा कि इस तरह के शिविर से कार्यकर्ताओं में कर्मठता का भाव आता है, वे अनुशासन में रहना सीखते हैं और उनका सर्वांगीण विकास होता है, उनमें निपुणता आती है, जिसकी वजह से भाजपा चुनावों में जीत हासिल करती है। उन्होंने बताया कि वे अभी प्रदेश स्तर और संसदीय स्तर पर ये अभ्यास वर्ग आयोजित कर रहे हैं, इसके पश्चात मंडल स्तर पर शिविर आयोजित किए जाएंगे। आज शिमला संसदीय क्षेत्र का हमारा प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण शिविर है। इससे पहले अभी 17 तारीख को हमारा प्रदेश का प्रशिक्षण वर्ग धर्मशाला में आयोजित किया गया था, और इसके बाद हमारे मंडलों के प्रशिक्षण शिविर होंगे। इसका लक्ष्य यही है कि हमारे कार्यकर्ता समय समय पर उनको प्रशिक्षित किया जाए, और ताकि हमारे कार्यकर्ता सशक्त बना रहे, एक अच्छे व्यक्ति का निर्माण करना और व्यक्ति निर्माण से एक अच्छे समाज का निर्माण करना, उस दृष्टि से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हमारा कार्यकर्ता हर समय हर चुनौती के लिए तैयार रहे, वो सदा ही कर्मठता से काम करे, डिसिप्लिन में रहे, अनुशासित ढंग से काम करे, और आज के समय में जिस प्रकार के आज के परिवेश में मीडिया, सोशल मीडिया और दूसरे माध्यम है, उससे भी हर प्रकार की गतिविधियों में अपनी निपुणता वो हासिल कर सके, एक नई ऊर्जा के साथ हर समय डटा रहे, उस दृष्टि से प्रशिक्षण शिविर किए जा रहे हैं। हम जानते हैं हमारे यहाँ जो भी चुनौतियाँ आ रही हैं, उसके लिए हमारे कार्यकर्ता एकजुटता के साथ कार्य कर रहे हैं, इसी प्रकार से आने वाली चुनौतियों के लिए भी काम करें। हम प्रदेश स्तर, पार्लियामेंट्री स्तर और फिर मंडल स्तर के ऊपर इस प्रकार के प्रशिक्षण शिविर करके अपने कार्यकर्ता को और ज़्यादा निखारने में लगे। प्रशिक्षण शिविर का उद्देश्य, मैंने जैसा पहले भी कहा, कि व्यक्ति निर्माण, एक अच्छा व्यक्ति का निर्माण करना और अच्छे व्यक्ति के निर्माण के बाद एक अच्छे समाज का निर्माण करना, यही मुख्य लक्ष्य है। हमारा कार्यकर्ता एक अच्छा कार्यकर्ता बने, अनुशासित कार्यकर्ता बने, जुझारू कार्यकर्ता बने, निष्ठावान हो, और आज के परिवेश में जिस प्रकार से जो भी आवश्यकता है, मीडिया की आवश्यकता है, सोशल मीडिया की आवश्यकता है, संवाद की आवश्यकता है, और उस दृष्टि से हमारे कार्यकर्ता पूर्ण रूप से निपुण हो और पार्टी के काम को दृढ़ता के साथ करें।